है। होली का पर्व ऋतुराज बसंत के आगमन पर फाल्गुन की पूर्णिमा को हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। होली के अवसर पर हम एक दूसरे के गले मिलते हैं और गुलाल लगाते हैं। हम इस दिन खास तौर पर गुजिया खाते और सभी को खिलाते हैं, परंतु इस बार कोरोना के कारण हमें इस त्योहार पर सामाजिक दूरी रखनी भी जरूरी है। होली के एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है। आइए जानते हैं होली का दहन की पूरी कहानी। होली की पूर्व संध्या में होली का दहन किया जाता है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है कि असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को भगवान कहना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका वह चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि पर बैठ गई। दैवी योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन होली को जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वत्सल आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो होली रंगों मिठाइयों का त्योहार है, पर हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में इस त्योहार के रंग ढंग कुछ बदल जाते हैं और एक नई मिठास लिए होते हैं। यहाँ कहीं गुलाल से तो कहीं फूलों से तो कहीं पानी से होली खेली जाती है और सबका तरीका अपने आप में रोचक और अनूठा होता है। भारत की सबसे मशहूर ब्रज की होली की परंपरा 5000 वर्ष पुरानी है। मथुरा शहर से करीब 42 किलोमीटर दूर बसे राधा जी के गांव बरसाना में शुक्ल पक्ष की नवमी को एक अनोखी होली खेली जाती है, जिसका नाम है लठमार होली। उदयपुर में रोयल अंदाज से होली मनाई जाती है। सजीले घोड़ों और रथों के बीच होली की रैली देखने लायक होती है। पंजाब में वैसे तो रंगों से ही होली मनाई जाती है, पर होली के दूसरे दिन यहाँ एक अनोखा महोत्सव मनाया जाता है, जिसका नाम है होला मोहल्ला। यह एक तरह की नकली जंग होती है जो पूरे 3 दिन तक चलती है। तो वहीं जयपुर में हाथियों को सजाकर समारोह का आयोजन किया जाता है, जो आजकल एलिफेंट फेस्टिवल के रूप में चर्चित है। मध्य प्रदेश के इंदौर में टोली वाली होली खेली जाती है। यहाँ ट्रकों में भरकर लोग होली खेलने आते हैं। दक्षिण भारत में वैसे तो होली इतना बड़ा त्योहार नहीं है, लेकिन वहाँ भी होली मनाई जाती है। हैदराबाद में 2 दिनों तक होली मनाई जाती है। केरल में तमिल भाषी लोग होली खेलते हैं, वे होली को मंगल कुली कहते हैं। तो यदि आप भी इस होली पर कुछ रोमांचक करना चाहते हैं, तो उसी शहर की होली मनाने पहुँच जाएं। धन्यवाद। लाल रंग, लाल
होली पर सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला रंग है। यह रंग उत्साह, ऊर्जा और विजय का प्रतीक है। पीला रंग। पीला रंग शांति, ऐश्वर्य और पवित्रता का प्रतीक है। इस रंग का भारतीय संस्कृति में खास महत्व है, क्योंकि हर शुभ कार्य में पीले रंग को शामिल किया जाता है। हरा रंग। हरा रंग हरियाली, शीतलता और ताजगी का प्रतीक है। होली पर यह रंग हर व्यक्ति को एक बार फिर अपने नए जीवन के संचार करने की प्रेरणा देता है। साथ ही यह प्रकृति का सबसे प्यारा रंग है। गुलाबी रंग। गुलाबी रंग दया, मित्रता और सुंदरता का प्रतीक है। इस रंग का होली पर बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं रंगों की तरह हम सबको होली का त्योहार मिलजुल कर प्यार से मनाना चाहिए। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। राधा के रंग और कान्हा की पिचकारी। राधा के रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई मजहब न कोई बोली। मुबारक हो आप सबको खुशियों भरी होली। धन्यवाद। हैप्पी होली। होली पर फुर्सत नहीं हो, कोई भाई बहन तंग नहीं हो, घर पर ही मनोरंजन आनंद हो, कोई व्यवस्था भंग नहीं हो। होली है। लाल गुलाबी पीले देखो, रंग सभी रंगीले देखो, पिचकारी भर भर ले आते, एक दूजे पर सभी चलाते। होली पर वैसा हाल, सब चेहरों पे आज लाल, आओ यारो इस खुशियाँ की वो छा है होली। लाल गुलाबी पीले देखो, रंग सभी रंगीले देखो, पिचकारी भर भर लेके आते, एक दूजे पर सभी चलाते। होली पर अब ऐसा हाल, हर चेहरे पर आज गुलाल, आओ यारों इसी बहाने दुश्मनों को भी चले मनाने। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए त्योहारों पर हमें विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। जैसे परिवार के साथ ही होली मनाएं, घर में बनी हुई मिठाइयां खाएं और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। इसी संदेश के साथ प्रस्तुत है महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी। बुरा न मानो, होली है। हा, मैं जानता हूँ कि तुमने होली मनाने की खूब तैयारियां की होंगी। तुम एक दूसरे के पास जाओगे, रंग लगाओगे, गले मिलोगे और मुझे फैलने का खूब मौका मिलेगा। हा, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। रुको रुको रुको, क्या तुम जानते नहीं कोरोना का कहर अब चला समाप्ति की ओर। जाते जाते फिर भी लगाएगा वो जोर, ताक लगाए बैठा होगा रंग में भंग डालने को। हमारी एक भूल पर कोरोना फिर से एंट्री मारने को, तो रखना होगा धैर्य हमें। होली पर इस बार बिना खौफ के मना सके ये उमंग भरा त्योहार। बारंबार बारंबार, समझ गए दीदी, समझ गए भैया। क्या समझे, इस बार होली पर भी दो गज की दूरी मास्क है जरूरी। आप सभी को महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
हैप्पी होली। डियर फ्रेंड्स, सेलिब्रेट होली विद योर फैमिली, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, यूज मास्क एंड सैनिटाइजर्स टू बीट द पेंडेमिक, इवन ड्यूरिंग द फेस्टिवल, हैव अ सेफ होली। की बार मजबूरी है, दो गज दूरी जरूरी है, बाहर नहीं जाएंगे, घर पर ही होली मनाएंगे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।